ज़रदारी है, ये मीज़ान की शक्ल में रखा जाए। ये कैसे मुमकिन है कि बातिल की साइड में बंदे को रखा जाए और हक की साइड से वजन दिया जाए? अगर रोता है तो इस बात की दलालत है कि वो हक्कानियत की तरफ मायल है, लेकिन इसके कौल ऑफ फेल या इकरार मुमकिन है कि वो माशरे में जाहिर नहीं कर पाते हैं, या वो ताबूत से मुराद इमाम ने भी शायद कहा था ना इस तरह से कि तू मेरा शिया नहीं है बल्कि मेरा मुरीब है, ठीक है, तो मतलब मोहब्बत करने वाला रोता है, तो क्या मतलब शिया के बारे में ये रिवायत है या ये मुरीब के बारे में? उसका ताल्लुक मैदान अमल से है, इमाम शिया अमलन इस चीज के लिए इकदाम करना, उस राह में इकदाम करना जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहि सलाम बाहर बाहर निकले, इसके लिए खुरूज के ताल्लुक के खिलाफ, तो शायद वहाँ पर उस रिवायत में इमाम की मेहनत है और उल्मा की मेहनत है, फुका की मेहनत है कि वो इस पोटेंशियल को जो कि मौजूद है उसको रियलाइज करवाए और उसको मैदान अमल में लेकर आए। ज़्यादातर बातें मुझे नहीं लग रहा कि बच्चों को समझ में आ रही हैं, आ रही है समझ में, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी भी बात करें जो कि सबके समझ में आए, लेकिन माजरत के साथ अगर आप बोर हो गए ये तो वो वाली बात हो गई जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था ना, वो रिवायत जो पूछी उन्होंने कहा कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उस पर जन्नत वाली हो जाना, ये है ना रिवायत, जब वो गए मशहद या नेशापुर, बहुत मशहूर रिवायत है और इसको बहुत सारे लोगों ने नकल किया कि वहाँ पर पूरा मजमा था नेशापुर, तो उन्होंने रिवायत सुनाई और फिर कहा कि ये चीज़ शर्त और शरायत के साथ है और मैं भी इसकी एक शर्त हूँ, तो कोई भी रिवायत हो उसको आप मुझे बाकी दीगर चीज़ों से हटा कर इंडिविजुअली नहीं देखेंगे सिक्लूजन में, बल्कि दीगर कंडीशन में, ये नहीं है कि कोई मैं रोता हूँ और मैं दुनिया भर के मजालिम करता हूँ बाहर निकलने के बाद और मैं समझूँ, अलबत्ता ये रोना फ़ायदा देगा ज़ाया नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक अमल अच्छाई की हो तो देख लेगा इंसान, लेकिन साथ में ये नहीं जिसने एक ज़र्रा बराबर भी बुराई की वो भी देखेगा, ठीक है, तो ये नहीं कहना चाह रहे कि इसकी वजह से उन चीज़ों की छूट मिल जाएगी, और ये भी नहीं कह सकते कि उन चीज़ों की वजह से दीगर मजालिम की वजह से इसका अजर ख़त्म हो जाएगा, अलबत्ता ये क़यामत के दिन जब तराजू में रखे जाएंगे अमाल तो फिर ये देखा जाएगा पलड़ा किस तरफ का भारी है। यानी ये देखें ना, ये खुद इस चीज़ की तरफ इशारा है कि ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से जो शमा जली है, एक रवायत में ना कि वो जो हरारत पैदा हुई है वो बुझ नहीं पाई है ताक़यामत, और वही हरारत इस बात का सबब बनती है कि एक ऐसा शख्स जो कि मुसलमान नहीं है वो भी जब ये जिक्र सुनता है इस कुर्बानी का तस्करा सुनता है तो वो मुतवज्जे होता है और उसके अंदर एहसास और जज्बात पैदा होते हैं, एक मोहब्बत पैदा होती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, उनकी कुर्बानी उनकी नीयत उनका इखलास इस दर्जे पे था कि महज खुदा के लिए कुर्बानी दी गई है, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें पैदा होती हैं और इस बात का सबब बनती हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो भी आपके करीब आते हैं, बल्कि अभी मुझे एक रिपोर्ट मैंने देखी है जरूर से एक हिंदू है और वो जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करता है, तो अब उसके बाद जब एक शख्स आपके करीब हो गया तो अब यहाँ से आपका फर्ज शुरू होता है कि उसे दीन की तरफ दावत दें। जन्नत और जहन्नम सिर्फ इस एक चीज पर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जहन्नम में जाएगा, मैं ये फैसला करने वाला कोई नहीं, ये क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ये फैसला करेगा,
अगर एक शख्स तहकीक करता है, जस्तजू करता है और हक तक नहीं पहुंच पाता तो वो उसका हुक्म नहीं और है, कुछ और है। और अगर एक शख्स सरातन जस्तजू ही नहीं करता, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, हक की जद्दोजहद ही नहीं करता, तहकीक नहीं करता, तलाश नहीं करता और वैसे ही इंतकाल कर जाता है, फिर वो उसका जन्नत में आना मुश्किल है। अगर साहब, वो आपने जंजीरा करने के हवाले से आप सवाल बोला था, जंजीरा नहीं करने से लोग दूर हो रहे हैं, तो ऐसा कौन सा हमारे करें अंजाम दें जिससे लोग अदारी के करीब हों? अदारी के करीब हों, जंजीर करने से दूर हो रहे हैं। जी तो कौन सा हमारा? ठीक है, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र जो होता है अगर मारूफ तरीके से हो तो बेशुमार लोग उसमें आके शरीक होते हैं, ठीक है, और आपकी बात को सुनते हैं और आमादा होते हैं और तहकीक करते हैं, जस्तजू करते हैं और नतीजतन हक को कबूल करते हैं, तो बहुत होता है ये बात। अगर बाकी सारी चीज़ें आप अंजाम दें, और बाकी जो मैं समझता हूँ और जैसे कि शायद मसादर में भी आया है कि आपका अमल उस राह पर हो जिस राह पर इमाम हुसैन चले, आप सिर्फ बात नहीं कर रहे बल्कि अमल करके भी दिखा रहे हैं, जैसा कि हमारे उलमा ने इमाम खुमैनी ने अमल भी करके दिखाया, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर भी चले, उनकी नहजत की पैरवी भी किया अमल। जब आप अमल करते हैं जिसका मिजाज हम जैसे लोग नहीं हैं, अफसोस की बात है, हम लोग बातें करते हैं अमल नहीं करते, लेकिन जो लोग अमल करते हैं वो लोग लोगों को वो इस बात का सबक करते हैं कि लोगों को अमली तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब कर देते हैं, उनके पैगाम के करीब कर देते हैं, उनके आहदाफ के करीब कर देते हैं, जब लोग उनके पैगाम पर अमल भी करते हैं। एक तो जिक्र है और मसाइब का तस्करा है जो लोगों को करीब लाने का सबब बनता है, उसके बाद अगले स्टेज के कि आप उन चीज़ों पर यानी उनकी नहजत की पैरवी भी करें, अमल जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठे, ठीक है, और दीन इस्लाम पर अमल करें, उसके नफाज की जद्दोजहद करें, दीन इस्लाम के नाफिज करने की जद्दोजहद करें, तो आप अमलन भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट। अच्छा, आप ये बार बार कह रहे हैं कि मतलब इससे नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रहा है जंजीर जंजीर और कबाद, लेकिन जब इसके बारे में तो तारीख में भी हमको काफ़ी दलाई मिलती है, जैसे उवैसे करनी का जो वाक़ है या इस तरह से बीबी जैनब ने जो अपना सर वो पहले सवाल वो कर रहे थे आपको पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जैसे आइमा के ज़माने में भी असदारी हुआ करती थी, ठीक है, इमाम हसन अस्करी तक तो उसमें उनका क्या तरीक़ेकार होता था मजलिस बर्पा करने का या जो भी करते थे क्या करते? जहाँ तक मेरी मालूम का ताल्लुक है, पहले आपके सवाल के जवाब दे दूँ, यही होता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर होने वाले मसाइल का तस्करा होता था, कि यह होता था शोरा बैठते थे जो उनके अशार में वाक़ात को बयान करते थे, उनके फ़ज़ाइल को बयान करते थे और उस पर गिरिया किया जाता था, जैसे कि मैंने कहा कि उसके बेसिक कंपोनेंट्स थे। मकसद बयान जैसे आप कह रहे हैं मकसद बयान, वो तो इमाम आयमा की जो जद्दोजहद थी, उनकी जो सीरत थी, वो तो हर वक्त उनके मकासद की तरफ मुतवज्जे रहते थे, यानी उस जमाने में तो आप जब यजीद के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आप तो निज़ाम के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, बनू उमैया का दौर है, जब आप उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो उस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। आज हमें रिलेट करने की जरूरत पड़ती है, आज बनू उमैया की बज़ाहिर बनू उमैया की हुकूमत नहीं है, ठीक है, तो आज तो हमें रिलेट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस जमाने में तब जब आप बनू उमैया के खलीफा के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसके मुकालिम को बयान कर रहे हैं, तो आप लोगों को उस बातिन निज़ाम के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उस निज़ाम ही के खिलाफ बात हो जाएगी ना, यानी अगर आज नवाज शरीफ के मजालिम का तस्करा हो तो ऑटोमेटिकली आप निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उस दौर में तो ये सूरत आती। जहाँ तक अवैसे कहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़ है, अहले तशी के सोर्सेज में वाक़ जिक्र नहीं हुआ पहली बात, बल्कि ये दखल हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दंदान मुबारक शहीद होने की बातें हैं ये असलन सही नहीं है, यानी उनके दांत शहीद ही नहीं, पहली बात ये उलमा अहले सुन्नत ने वाक़ नकल किया तो हम इससे कोई इस्तदलाल नहीं कर सकते। दूसरी बात हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि के हवाले से बात की जाती है, सरातन ये गलत बात है, हज़रत ज़ैनब को वसीयत थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि आपने कोई भी मनाफी सबर काम अंजाम नहीं देना, और जो रिवायत है वो तो असल ज़ईफ़ है, सनदन ज़ईफ़ है, वो रवायत तो कबूल नहीं की गई, इसलिए जैसे शेख अब्बास कुमी ने वाज़ेह तौर पर लिखा है ये बात,
वहीद है कि हज़रत ज़ैनब ऐसा काम करें, खुद रवायती ज़ईफ़ है तो इसलिए पहली इस्तदलाल नहीं कर सकते एक ज़ईफ़ रवायत है, लेकिन इसकी सनद को तो छोड़ दें आप हटा दें, उसके मतन पर इतराज़ है। ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत ज़ैनब जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, और वो जो हुक्म है कि सब्र करना और ये नहीं करना और ये नहीं करना और ये नहीं करना और ये नहीं करना, ये नकल हुआ है कि इरशाद में शेख मुफीद ने नकल किया, और हमारे हर मुतबर मख्तल में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अहकाम थे हज़रत ज़ैनब के लिए जो वसीयत की थी वो नकल भी हुई है, जिससे इन तमाम चीज़ों से उनको रोका गया। तो भाई वो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई काम करेगा ऐसा कोई बात नहीं है। बैठे तो आपके सवाल को कट नहीं कर रहा, आप समझ रहे, मैं एक मैसेज भी दे रहा हूँ कि आप देखेंगे सारा वक्त जो है इसी चीज में जाया हो जाता है, किसी अहले सुन्नत से बात कर रहे हैं आप जंजीर क्यों करते हैं, आप ये क्यों करते हैं, आप ये क्यों करते हैं, बजाय कि हम उन्हें समझाएं कि हम इमामत को क्यों मानते हैं, हम आयमा को क्यों मानते हैं, हम हमारा निज़ाम इमामत क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, सारा वक्त जो है वो किस में ज़ाया होता है, जंजीर क्यों मारते हैं, कमा क्यों मारते हैं, इसमें ज़ाया होता है। जी हम बात इससे जैसे आप किसी चीज को अमलन दिखा रहे हैं कि ऐसा था, बस ये मकसद है, जैसे तारीखी वाकयात पे फिल्म नहीं बनती, आज का मतलब तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को पहुंचाता है नहीं सर। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैंने बहुत किया भाई हाथ से मतलब, मुझे तो आज तक नहीं नुकसान पहुंचा, यानी कोई मुझसे पूछा अरे ये क्या हो गया तुम्हें, जैसा राइज उसी की बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर निकले जुलूस में तो 90% 95% लोग जो हाथ का ही मातम कर रहे होते हैं, आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि यार ये क्या हो गया इसको, शायद कोई एक